राजधानी दिल्ली में महिला के साथ मारपीट और फिर उसे कार से कुचलने की कोशिश की गई। घटना दिल्ली के अमर कॉलोनी थाना क्षेत्र की है। महिला हौज खास विलेज से एक कैब में बैठकर घर लौट रही थी। लौटने के दौरान उसने देखा कि ओखला के पास एक स्कॉर्पियो ड्राइवर और एक बलेनो ड्राइवर आपस में लड़ाई लड़ रहे थे। कुछ देर बाद किसी कारण से कैब ड्राइवर से भी बलेनो ड्राइवर ने झगड़ा करना शुरू कर दिया। जब महिला ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो बलेनो चला रहे शख्स ने महिला को थप्पड़ मार दिया। बदले में महिला जब उस कार की तरफ बढ़ी तो ड्राइवर ने महिला को कार से धक्का देकर गिरा दिया और फरार हो गया। मामले में पुलिस ने बलेनो चला रहे शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 दिवसीय यूरोप यात्रा के दौरान मंगलवार को डेनमार्क पहुंचे थे। यहां उन्होंने अपने समकक्ष पीएम मेटे फ्रेडरिकसन से मुलाकात कर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद पीएम मोदी ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में किंगडम ऑफ डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय से भी मुलाकात की। महारानी ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया। नेपाल के एक पब में राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल होने के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से लेकर लेखिका तस्लीमा नसरीन भी उनके समर्थन में उतर आई है। मोइत्रा ने भाजपा पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, इस धरती पर राहुल गांधी या कोई और अपने निजी समय में नाइट क्लब या शादी में जाता है तो इससे किसी को क्या लेना देना हो सकता है। उन्होंने आगे लिखा, भाजपा के बीमार टोल इंचार्ज को वही करना चाहिए जो वह बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जैसे चाय की केतली में ये लोग बियर पीते हैं। महाराष्ट्र पुलिस की सख्ती के बावजूद महाराष्ट्र नव निर्माण सेना अजान के दौरान दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा बजाने के फैसले पर अड़िग हैं। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद में भड़काऊ भाषण का केस भी दर्ज हो गया है। अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती नजर आ रही है। इसके बावजूद उन्होंने मनसे कार्यकर्ताओं से अपनी ताकत दिखाने का आह्वान किया है। देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,239 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 54 मरीजों की मौत हो गई है। देश में कल कोरोना मामलों में कुछ कमी देखने मिली थी। सोमवार को देश में 2,568 नए केस मिले थे, लेकिन मंगलवार को फिर कोरोना केस 3,000 के पार पहुंच गए हैं। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को शेयर बाजार बीते दिनों की सुस्ती से उबरते हुए हरे निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स सूचकांक 64 अंक या 0.11% उछलकर 57,039 के स्तर पर खुला, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी सूचकांक ने 24 अंक या 0.14% तेजी के साथ 17,093 के स्तर पर कारोबार की शुरुआत की।